क्लास 5 का 6th लेसन करेंगे जो कि है द क्लेवर फार्मर। ये दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन अ हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। ये स्टोरी किसके बारे में है? क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक किसान के बारे में जो कि हिल साइड में रहता है। और हिल साइड में जो किसान होते हैं वो कैसी वो करते हैं फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक फार्मर ने फील्ड ली हिल साइड के पास। ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स एंड ही बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। तभी वो पेयर ऑफ बुलक्स लाया और उसने अपनी फील्ड को प्लो करना स्टार्ट कर दिया खुशी खुशी। हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। जहाँ तक उसने आधी फील्ड अपनी प्लो करी होगी तभी एक लंबा इंसान आया और उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया, हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय टेरेस। हे तुम्हें पता है ये जो मेरा घर है इस हिल के फुट पे ही है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टेरेस पे। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। तभी वो बोलता है कृपया आप गुस्सा ना होइए, शांत रहिए, ये किसान बोलता है। ही सेड फर्दर आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स। मैं जो इस फील्ड को प्लो कर रहा हूँ जिससे मैं इसमें सीड बो सकूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। जब मैं क्रॉप्स ग्रो कर लूँगा तब मैं आपको उसको शेयर दूँगा हर साल। वन ईयर यू टेक दैट ग्रोज ब्लो द ग्राउंड एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक वाट ग्रोज अबव द ग्राउंड। उसने कहा एक साल आप वो चीज़ ले लेना जो ग्राउंड के ऊपर होगे और एक साल वो ले लेना जो ग्राउंड के नीचे होगे। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम। जो टॉल फार्मर या फिर जो टॉल आदमी था वो बहुत खुश हो गया, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट। पहले साल जो था किसान ने वीट बोई, वीट का जो होता है उसको वो बोया। ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड। उसने जो सारी जो वीट थी वो तो ऊपर उगती है, जो अपने जो ज़मीन के ऊपर उगती है वीट वो उसने अपने लिए रख ली और जो उसकी जो रूट्स होती है वो टॉल मैन को दे दी। जैसा उसने कहा था कि आप जो है सबसे पहले जो नीचे होगे ज़मीन के वो आप ले लेना और अगले साल जो मैं करूँ वो ऊपर जो होगे वो आप ले लेना। द टॉल मैन गॉट एंग्री। तभी जो लंबा आदमी था वो गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। तभी उसने किसान से कहा अगली बार मैं वो चीज़ लूँगा जो ग्राउंड के ऊपर होगे। तो किसान फिर से उस पर हाँ मान ली उसने, ठीक है मैं यही आप वो ऊपर वाला ले लेना। तो अगले साल द नेक्स्ट ईयर फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स। अगले साल उसने क्या ग्राउंडनट्स उगाए। व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स एज इट ग्रो ब्लो द ग्राउंड। अब अगले साल जब क्या कहते हैं क्रॉप जब उसने ग्राउंडनट उगाई तो वो जो होते हैं ग्राउंडनट ज़मीन के नीचे आते हैं, नीचे उगते हैं। तो उसने सारी जो नीचे वाले ग्राउंडनट्स से ज़मीन के नीचे वो सारे अपने लिए ले लिए और जो पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड। अब वो बेचारा लंबा आदमी को क्या मिली, सिर्फ लीव्स मिली जो कि ग्राउंड के ऊपर थी। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। इस तरीके से जो लंबा आदमी था वो फिर से बेवकूफ़ बन गया किसान के द्वारा। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बुलक्स मतलब बैल, प्लोइंग मतलब हल चलाना, एंग्रीली मतलब गुस्से से, टेरेस मतलब सीढ़ीदार खेत, काम मतलब शांत, सो मतलब ज़मीन में बीज बोना, प्लीज मतलब संतुष्ट होना। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।